अमित द्विवेदी ने कहा कि सबसे लंबा बजट भाषण और युवाओं को रोजगार के लिए कोई बात नहीं करती केंद्र की मोदी सरकार। मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव अमित द्विवेदी ने मोदी सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली है। अमित द्विवेदी प्रदेश सचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि आज मुख्य समस्या बेरोजगारी है। बजट में ऐसा कोई ठोस प्रावधान नजर नहीं आया जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके। इसमें कोई विचार ही नजर नहीं आया। मोदी सरकार सिर्फ बातें कर रही है लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। द्विवेदी ने कहा कि यह अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण था लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। मोदी सरकार ने कहा था कि इंस्पेक्टर राज समाप्त करने का वित्त मंत्री का दावा गलत और मजाक। आईटी के छापे कई गुना बड़े हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजटीय गणित समझाने में विफल रही। भारी भरकम शब्दों से कोई मतलब नहीं है। टैक्स टेररिज्म से व्यापार जगत के लीडर्स में दहशत पैदा हो गई है। बजट स्पष्ट नहीं है। विकास के लिए योजनाओं का अभाव है। रोजगार सृजन के लिए स्पष्ट रोडमैप बजट में पूरी तरह से नजर नहीं आ सका।